स्वाति, पहले तो बहुत बहुत बधाई, आपके भजन को इतना बड़ा रिकग्निशन मिला है। जब गा रही थी, उसे प्रस्तुत कर रही थी, तब ये सोचा था? बिल्कुल नहीं। उसकी चंद लाइंस अगर आप यहाँ पर सुनाएं, क्योंकि बहुत सारे आपके ऐसे फैंस होंगे जो उस भजन को यहाँ पर लाइव सुनना चाहेंगे, ट्वीट के जरिए नहीं, यहाँ पर लाइव वो भजन सुनाइए हमें। मैं सजाऊंगी दीप जला के, दिवाली मैं मनाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। थैंक यू। ये भजन स्वाति किसने लिखा है, इसकी संरचना कैसे हुई है, इसकी धुन कहाँ से आई है, ये तमाम डिटेल्स हमारे साथ प्लीज शेयर करिए। जी, ये भजन लिखा और कंपोज किया हुआ मेरे ख्याल से प्रेम भूषण जी का है। मैंने उनके ही वीडियो में इस भजन को सुना था। वो लाइव गा रहे थे तो मैंने सोचा कि इस भजन को जरूर गाना चाहिए क्योंकि भजन बहुत अच्छा है। स्वाति, आपको न्योता मिला है 22 जनवरी का? अभी तक तो नहीं। तो अगर न्योता मिलता है आपको तो ये भजन आप प्रस्तुत करना चाहेंगी वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा में? बिल्कुल, मेरा सौभाग्य होगा ये भजन वहाँ प्रस्तुत करना। अच्छा स्वाति, जब आप ये भजन गाती हैं तो किस तरीके से आप कल्पना करती हैं भगवान राम की? क्योंकि जब भी कोई इस तरह का भजन होता है, रिलीजियस भजन खास तौर पर, उसको लेकर एक मन में कल्पना होती है, एक भगवान की मूर्त सामने आती है। जो भी आपके मन में किस तरह की भावनाएं रहती हैं इस भजन को प्रस्तुत करने के दौरान? जी, एक ही भावना होती है कि मैं शबरी हूँ और मैं इंतज़ार कर रही हूँ राम जी के आने का। उनके राहों में मैं फूल बिछा रही हूँ और राम जी आ रहे हैं, मेरे झोपड़ी में आ रहे हैं, मेरे भाग खोल रहे हैं। तो बस शबरी वाली फीलिंग आती है कि ऐसे ही वेट कर रही हूँ राम जी का। और भी कोई राम जी से जुड़ा हुआ भजन है स्वाति आपके पास जो यहाँ पर आप गाना चाहेंगी? कल एक भजन आया है मेरा मेरे YouTube चैनल पे, राम जी के आगमन पे है। दीप जलाओ मंगल गाओ, आज अवध को खूब सजाओ, ना जाने पाँव रखे कहाँ भगवन, गलियों पे अपनी पलके बिछाओ, ना रहे कोई कमी स्वागत में, अयोध्या के राजा आए हैं, हाँ मनाओ दिवाली आज दिल खोल के, जन्मभूमि के लाल राम आए हैं, होकर के बनवास पूरी लौट अपने अवध, जन्मभूमि के लाल राम आए हैं, राम आए हैं राम आए हैं। तो स्वाति, आपका जो ये भजन है, अगर YouTube पे ज़्यादा हिट्स मिलते हैं या फिर सब्सक्राइबर्स आपके बढ़ते हैं, उससे आपको ज़्यादा खुशी मिलती है, या फिर अगर PM इस भजन का भी जिक्र कर दें तो आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी? डेफिनेटली, अगर मोदी जी अगर इसको शेयर कर दें या फिर इसके बारे में बात कर दें, इसकी तारीफ कर दें, ऑब्वियसली उससे ज़्यादा खुशी मिलेगी। सब्सक्राइबर से भी मिलती है, लेकिन मोदी जी एक महान पर्सनालिटी हैं। अगर उनसे कोई भी कॉम्प्लीमेंट आता है तो ये एक ब्लेसिंग होगा मेरे लिए। आप हमेशा से ही इसी तरह के भजन गाती आई हैं स्वाति, या फिर अभी क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा है इसीलिए आपने ये भजन की संरचना की ऐसे गाया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस भजन को गाने के पीछे कोई चेष्टा नहीं थी कि इससे रिलेशन मिलता है, इससे रिलेटेड ये गाना गाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये गाना मुझे पसंद आया था तो मैंने गाया था। और भजन बहुत पहले से गा रही हूँ मैं। स्पेसिफिक चैनल मैंने भजन के लिए 5 महीने पहले खोला है क्योंकि भजन से बहुत लगाव हो गया था मुझे। और मैं बाकी गीत भी गाती हूँ, लेकिन भजन जो गाती हूँ उसकी फीलिंग कुछ और होती है। राम आएंगे, राम आए हैं, और अब आगे क्या स्वाति? बस राम जी के चरण जब पड़ जाएंगे अयोध्या में, उसके बाद क्या फीलिंग होगी, उसके बाद भी ये गीत आएगा। तो एक बार फिर से वही भजन आप यहाँ पर दोहरा दीजिए जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने जिक्र किया अपने ट्वीट में। जी, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। वो मेरी कुटिया के भागाज खुल जाएंगे राम आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति हमारे साथ जुड़ने के लिए।